टाइगर श्रॉफ के लुक्स कमाल के, बॉडी एकदम परफेक्ट, और डांस अच्छे अच्छे डांसर्स उनके आगे फेल हैं, और एक्शन कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, एक्टिंग खैर छोड़ो। हेलो गाइस, patrika.com के लिए मैं सुनीता अधिकारी और मैं लाई हूँ टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 का रिव्यू। तो बागी 3 जो फिल्म है वो एक्शन से भरपूर है, और अब आपको एक्शन भी चाहिए और स्टोरी भी चाहिए तो इतना टाइम किसके पास है भाई, तो चुपचाप आओ एक्शन देखो 2-2.5 घंटे तक और फिर घर चले जाओ, और फिर हिसाब लगाओ कि उस टिकट के पैसे से 250-300 रुपए से आप क्या क्या कर सकते थे। तो बागी 3 की जो स्टोरी है वो दो भाइयों की है, बड़ा भाई विक्रम जो है रितेश देशमुख, छोटा भाई रॉनी जो कि बने हैं टाइगर श्रॉफ। तो बड़े भाई विक्रम को जब भी मुसीबत में पड़ता है, जब भी उसे जरूरत पड़ती है, जब भी उसकी लड़ाई किसी से होती है, तो वो चिल्लाता है रॉनी, और हाजिर हो जाते हैं रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ। तो रितेश देशमुख का जो किरदार है विक्रम, वो थोड़ा अलग है, मतलब आम लोगों से वो थोड़ा अलग है, लेकिन पुलिस में है तो किसी काम से उसे सीरिया जाना पड़ता है, जहां पर उसे आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। इस बात का पता जब उसके छोटे भाई रॉनी को पता चलता है तो वो सीरिया निकल पड़ता है आतंकवादियों से युद्ध लड़ने। जी हाँ, ट्रेलर में भी आपने देखा होगा जहां पर टाइगर श्रॉफ का एक डायलॉग है, वो बोल रहे होते हैं कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, हमारे बाप की कसम मैं तुम्हारे इस देश को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। रियली? अब फिल्म की बात करते हैं, जो सबसे बेकार चीज मुझे लगी वो ये कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और अंकिता लोखंडे, इतनी कमाल की वो एक्ट्रेस हैं, आपने उनको फिल्म में लिया है तो कुछ अच्छा यूज उनका फिल्म में करो ना यार, क्यों उनका इतना वेस्ट किया है, मतलब कोई खास रोल उनका फिल्म में नहीं है दोनों का ही। फिल्म की स्टोरी देखे तो चलो लॉजिक एक साइड में रखते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी स्टोरी ऑडियंस को दे जिससे वो कनेक्ट कर पाए। मतलब बागी 3 की जो कहानी है, स्टोरी है, वो पूरी बिखरी हुई है, एक्शन इसमें पूरा भरा हुआ है, मतलब 2.5 घंटे पूरा एक्शन एक्शन आपको देखने को मिलता है, इतना देखने को मिलता है कि आपका मन करता है आप सर पटक लो। मतलब ठीक है आपका एक्शन अच्छा है, लेकिन 2.5 घंटे एक्शन थोड़ा देखने आती है ऑडियंस। परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ वही कर रहे हैं जो वो करते आए हैं, मतलब कुछ भी नया नहीं है, वही मारधाड़, वही उनका उछलना कूदना, वही डांस। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह एक्टिंग, क्योंकि ऑडियंस आपकी गुड लुक्स बॉडी की वजह से 2-2.5 घंटे तक थिएटर में नहीं रुकेगी भाई, एक्टिंग लाइए थोड़ा, इमोशंस लाइए, क्योंकि मूवी में टाइगर श्रॉफ एक्शंस में लाजवाब है, लेकिन जहाँ पे इमोशंस की बात आती है तो इनके इमोशंस निकलते ही नहीं है। दूसरे रितेश देशमुख, अब अगर इनकी एक्टिंग अच्छी है तो इनका जो रोल है वो ढंग से लिखा ही नहीं गया है, ये थोड़े अलग दिखाए गए फिल्म में, लेकिन क्यों अलग दिखाए गए इसको समझाने की ज़रूरत राइटर साहब ने बिल्कुल भी नहीं समझी। कॉमेडी सीन्स में रितेश देशमुख बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिल्म में कॉमेडी उनको ज़्यादा करने को दी नहीं हुई। और जो वरुण बने हैं जमील खोरी, उन्होंने अपने एक्टिंग से लोगों को डराया ज़रूर है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। बात करें श्रद्धा कपूर की तो श्रद्धा कपूर इस फिल्म में अगर नहीं भी होती तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, खास क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे यही नहीं समझ पा रहा कि श्रद्धा कपूर ने इस रोल को साइन किया ही क्यों, क्योंकि सिया का जो किरदार है उनके साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करता। सेम विद अंकिता लोखंडे, इस फिल्म का एक्शन कमाल का है नो डाउट, हॉलीवुड को टक्कर देने लायक है, लेकिन स्टोरी उतनी भी, अगर इस फिल्म की राइटिंग अच्छे से की जाती तो ये फिल्म कुछ और ही होती। कैमरा वर्क भी कमजोर है, लेकिन हाँ फरहाद सामजी के जो कुछ डायलॉग्स हैं वो आपको जरूर एंटरटेन करने वाले हैं। और अब गानों की बात तो बिल्कुल ही मत करो, मतलब ऑडियंस ना भी इन रीमिक्स से बोर हो चुकी है, पक चुकी है, उन्हें अगर डिमांड है तो है फ्रेश गानों की। अब बागी 3 मूवी जो है वो तमिल फिल्म वेचाई की कॉपी है, लेकिन गाने तो फ्रेश रखो यार। अब जो दिशा पटानी का आइटम सॉन्ग है वो जरूर फ्रेश है, डू यू लव मी, तो मैं इस गाने पर उनको इतना ही कहना चाहूंगी न्याओ। तो फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए और डायरेक्टर अहमद खान की कोशिश के लिए मैं फिल्म को देना चाहूंगी 1.5 स्टार। अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी है। साथ ही patrika.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें मगर हाथ धोकर। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए रिव्यू के साथ।